नमस्कार मैं प्रशांत आंगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम हमारे प्राइम टाइम में जिसका विषय है महंगाई की मार और इस विषय पर अगर बात की जाए तो मुंबई सहित देश भर की गरीब जनता के घरों का बजट महंगाई के कारण बिगड़ रहा है क्योंकि खाने पीने के सामानों की कीमत आसमान छू रही है विशेषकर सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं प्याज और आलू के बाद टमाटर की कीमत में मानो जैसे आग सी लग गई है बाजार में टमाटर सत्तर से सौ रुपये प्रति किलो बिक रहा है आम जनता सब्जी महंगी होने पर आलू प्याज और टमाटर की सब्जी से अपना गुजारा कर लेता था लेकिन अब टमाटर भी काफी महंगा हो गया है आखिर अचानक महंगाई कैसे बढ़ी इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस कमर तोड़ महंगाई ने गरीबों का चीना दुभर कर दिया है इस तरफ से महंगाई की मार और गरीबों पर पड़ रही है बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को राहत तो दी है लेकिन वहीं दूसरी तरफ महंगाई से ये देख, देखा नहीं रहा है क्योंकि हरी सब्जियां प्याज आलू के बाद टमाटर की बड़ी कीमतों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है सरकार लाख कोशिश कर रही है जो कि वो हर बार करती है लेकिन टमाटर की कीमतों पर लगाम लगा पाने में सरकार एक बार फिर से नाकाम साबित हुई है पेट्रोल डीजल प्याज आलू अब बारी आ गई टमाटर की महंगाई ने टमाटर को किया लाल थाली से सब्जियां हो रही गायब यूपीए शासन में महंगाई बढ़ाने का ढोल पीट रही बीजेपी की मोदी सरकार के शासनकाल में भी कमर तोड़ महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है घर की थाली का बजट इस कदर बिगड़ा है कि लोग खाने में भी सब्जी शामिल करने के लिए सौ बार सोच रहे हैं महंगाई के बारे में ये कहना है कि आज जो सब्जी हम 20 रूपए किलो खरीदते थे वो सब्जी हमको 80 रूपया किलो खरीदना पड़ रहा है ऐसा क्यों? फायदा क्या है जैसे मैडम अभी हम एक केट टमाटर ले आए उसमें तीन चार किलो पाँच किलो हमारा खराब निकल जाता है एक किलो पे तीन रूपए चार रूपए मिलता है हमको वो अभी महीना जो लास्ट का महीना साल में आता है ना ये महीने में क्या नाम है शुरू महीने में बारिश के महंगाई हो नहीं होना है भाजी पे तो नई भाजी अभी पैदा नहीं हो रही है मतलब ये एडजस्ट करना पड़ेगा जो समझो एक दो किलो लेते तो तो एक किलो लेना पड़ेगा हमको तो, तो कुछ नहीं मिल रहा है मेहनत करके भी नहीं मजदूरी कर रही है बोलो नहीं अभी खरीदी रही है लेकिन अस्सी रुपये आए तो क्या खाएंगे गए सत्तर तो रूपए अस्सी रुपए आए तो खाना ही छोड़ देंगे ना दिन पे दिन सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे नहीं कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं जो दस रुपया पाँव था आज वो 20 पाव है जो हम लोग पाँच रुपया पाव लेते ले हैं तो वो दस रुपया महंगाई की मार झेल रही जनता को अब प्याज और आलू के बाद टमाटर भी महंगा खरीदना पड़ रहा है एक महीने पहले जो टमाटर आठ से दस रुपए बिक रहा था अब मुंबई में उसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई है अगर मुंबई में खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतों पर नजर डालें, तो टमाटर का भाव फिलहाल 80 से 100 रुपए प्रति किलो चल रहा है धनिया 105 से 110 रुपए किलो मिर्च 35 से 40 रुपए किलो आलू 25 से 28 रुपए किलो 30 रुपए किलो प्याज और आलू के दाम 35 के आसपास है सब्जी विक्रेताओं की माने तो एक हफ्ते के अंदर सब्जियों की कीमतों में पांच गुना का फर्क आ गया है दरअसल मानसून में हो रही देरी और देश के अन्य हिस्सों में कम हुई बारिश से मंडियों में सब्जियों की आवक कम हो गई है और इसका सीधा असर लोगों के रसोई पर पड़ रहा है सब्जी के भाव की कीमत लगातार आसमान छू रही है इस वक्त हम मौजूद हैं भाई कल्ला के होलसेल मार्केट में और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के व्यापारी किस तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं सभी जो सब्जियां हैं वो 40 के ऊपर और 100 के भीतर किलो के हिसाब से बेची जा रही है मुंबई करो को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है महंगाई को लेकर के सबसे महंगा इस वक्त टमाटर देखा जा रहा है जो सामान्य बाजार होते हैं वहां पर कम से कम अस्सी रुपए किलो जो है टमाटर बिकते हैं लेकिन ये व्यापारी से हम जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल यहाँ पर कैसे आप रेट से पूछ रहे हैं आप जो है टमाटर का व्यवसाय कर रहे हैं इस वक्त कितने रुपए किलो से टमाटर बेच रहे हैं सत्तर रुपए अस्सी रुपए किलो बेच रहा है टमाटर इस समय हाँ भाई साहब ये बताइए कि इस वक्त कितने रुपए किलो टमाटर आप बेच रहे हैं साठ रुपए किलो आ, लेकिन अस्सी रुपए का हिसाब कुछ चल रहा था ना किलो का चल रहा था मगर माल के आवक के ऊपर है माल बढ़ जाएगा जैसा रेट कम हो जाएगा ग्राहक चिड़ते भी होंगे अगर महंगाई आ आ। तो आप पे भी गुस्सा उतारते होंगे तो कैसे आप झेलते हो क्या कुछ क्या करेंगे भाई सब सहना पड़ता है है इसलिए सब सहना पड़ता है जो भी ग्राहक हैं वो जाहिर सी बात है कि जो भी कीमत बढ़ी है सब्जियों की पूरा का पूरा गुस्सा जो है इन व्यापारियों पर उतारते हैं लेकिन ये होलसेल मार्केट है इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी सस्ताई जरूर है लेकिन जो सामान्य बाजार है वहाँ पर जो सब्जियां हैं वो महंगी बिक रही है और कई तरह के मुश्किलों का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है इस महंगाई को लेकर कैमरामैन मुकेश राउत के साथ धर्मेंद्र दुबे लेमन न्यूज मुंबई तो इस अहम विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं सबसे पहले उनका तारुफ करवा दो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ समाज सेवी शीला अवस्थी जी इस वक्त मौजूद है शीला जी आपका स्वागत है हमारे साथ गीता कपूर जी इस वक्त जुड़ी हुई है जो मानव अधिकार एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है नेशनल जनरल सेक्रेटरी है महिला विंग की ये भी हमारे साथ जुड़ी है गीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शुरुआत करूँगा चर्चा के लिए यहाँ पर शीला अवस्थी जी आपके साथ क्या कुछ जब आप अपने घर से जब बाहर निकलती है खरीदारी करने के लिए किस तरह की महंगाई और किस तरह की महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़ के रखी है सरकार से क्या चाहती है आप देखिए हम लोग पहले जब निकलते थे हमारे घर पे सब्जी बनाना हो चाहे जो भी चीज़ हो तो हम लोगों को इतनी महंगाई नहीं थी जी अभी महंगाई बढ़ी है लेकिन इसमें कारण और भी है कि भाई पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो सभी चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं बिल्कुल तो उस पर यूपीए सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया था उन्होंने बस हर महीने बढ़ाने का एक नियम लगा दिया है और महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन उससे हम मध्यम वर्गीय लोगों को कितनी तकलीफ होती है आप सोचिए सब्जी तो छोड़ दीजिए आलू टमाटर की सब्जी बना के खाना चाहे तो वो भी मुश्किल है कैसे बनावे क्योंकि टमाटर तो हो गया साठ रुपये अस्सी रुपये किलो तो क्या किया जाए टमाटर की चटनी बना के खाना चाहे रोटी के साथ खाने के लिए तो वो भी मुश्किल है क्योंकि टमाटर महंगा है प्याज महंगा है तो किस तरह से तो हमारे तो और सबसे बड़ी मुश्किल की बात है कि हमारे भाई पति पिता वो तो जाते हैं अपने जो जितनी मिलती है उनको आवक वो तो हमारे पास ला के देते लेकिन उसमें जब ये बढ़ती है महंगाई तो इस महंगाई से झेलना जे। हम महिलाओं को पड़ता है बिल्कुर, क्योंकि आवक तो उतनी है और जावक बढ़ गई हम लोग करें तो क्या करें जहां हम लोग भाई एक किलो आधा किलो हमारे कुछ पूरे परिवार के बीच में बनाते थे अब हम लोगों को क्योंकि पहले बीस रुपए किलो था बीस रुपया पाओ भी नहीं पच्चीस रुपया पावे तो कितना बनावे कैसे बनावे बना अब हम महिलाओं के ऊपर तो इतनी बड़ी समस्या है कि क्या बताऊं जी गीता कपूर जी आपसे भी जानने की कोशिश करूँगा क्या एक्सपेक्टेशन है करंट सरकार के साथ एनडीए सरकार अब आई है आश्वासन दिया है इन्होंने कि जल्दी अच्छे दिन आएंगे लेकिन जिस प्रकार से जो हवाला दिया जा रहा है यहाँ पर कि जो यूपीए सरकार ने जो हैंडओवर दिया है उसी को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है तो क्या इससे निजात मिल भी पाएंगी या फिर अब ये एक डे टू डे यूज टू लाइफ वाली बात हो गई है कि बहुत जो बादाम आपसे लिए जाएंगे वो देना पड़ेगा आपको क्या है कि पंद्रह साल हो गए कांग्रेस का राज था अभी भाजपा का राज आ गया मोदी सरकार आ गए मोदी सरकार ने जो आश्वासन दिए थे लोगों को कि सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा और अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन तो अभी ये लग रहा है कि अच्छे दिन तो नहीं ये तो बुरे से बुरे दिन आ रहे हैं जैसे शीला जी ने अभी कहा कि इतनी आम गरीब आदमी भी जो टमाटर आलू की सब्जी गरीब आदमी का वो खाना था और इसमें पैसे वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है ये मध्यम वर्गीय लोगों को गरीब लोगों को इसके ऊपर फर्क पड़ता है तो सरकार मुझे तो नहीं लगता है कि अभी मोदी सरकार आई है जब वो सस्ता करेगी उसके बाद अलग है लेकिन अभी बेचारे गरीब लोग इसमें मारे जा रहे व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं उनको भी ये महंगा पड़ता है लाने के लिए सब वो लोग भी क्या करेगा वो लोग भी मजबूर है सब चीजों से तो आम आदमी की इसमें बहुत नुकसान हो रहा है गरीबों का भी इसमें नुकसान हो रहा है जे तो कैसे जे जो तीन हजार रुपया महीना में आदमी पगार लेता है बाद में घर में औरत को क्या दे लेडीज को क्या दे। और कैसे क्या करे यानी गरीब लोगों की इसमें मौत है ये तो मैं बोलूँ बिल्कुल बिल्कुल शिला जी मुझे याद है की रामविलास पासवान जो की अभी केंद्र में खाद्य मंत्रालय उनके पास में है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि कालाबाजारी और जमाखोरी के चलते इस तरह की महंगाई हो रही है तो यदि अगर कालाबाजारी और जमाखोरी के वजह से महंगाई बढ़ी है तो क्यों नहीं सरकार इसके ऊपर लगाम लगाती कम अज कम आम इंसान बिलो पावर्टी लाइन या मिडिल क्लास जो फैमिली बात कर रहे हैं हम लोग परिवार की कम अज़ कम उनके लिए थोड़ी राहत तो होगी बिल्कुल तो बोल रहे और वो काम शुरू भी हो चुका आपने देखा दिल्ली में कई छापे पड़े कई जमाखोरों को पकड़े गए और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी जैसे मेरी बहन गीता जी ने कहा कि यूपीओ की सरकार में ऐसा हुआ और मोदी जी आ गए तो अभी वो बहुत बुरे दिन आ गए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जिस तरह से यदि एक हमारा मकान है वो पूरा घर फैला होगा उसको समेटने के लिए कुछ तो समय लगता है कि हम बहनों को घर में पूरा फैला हुआ सामान होगा तो उसको समेटने के लिए आपको आधा दिन नहीं दो घंटा एक घंटा कुछ तो समय लगेगा और जब आप सोचिए कि यूपीए के सरकार ने इतना फैला के गई है उसको समेटने के लिए कुछ तो समय दीजिए आप अभी आए हुए अभी तो डेढ़ महीने भी नहीं हुए तो आप सोचिए ना कि तुरंत लोगों को ऐसा एक मतलब सोच हो गई है कि बस मोदी जी आ गए हैं और कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी और तुरंत का तुरंत सब कुछ हो जाएगा एक लोगों का जो मतलब आकांक्षा जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मोदी जी मतलब बस वो पहुंचे हैं तो सारा काम लेकिन कुछ तो समय दीजिए अभी तो आए हैं वो और आपने देखा कि काम शुरू हो चुका है लेकिन आप सोचिए जमाखोर ये इनको पकड़ना ये कोई तुरंत हो जाएगा क्या सब कुछ इसमें समय लगेगा हा नहीं परेशानी परेशानी हम लोगों को हम सभी बहनों को है सभी लोगों को जितने भी आम लोग हैं सभी को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही लेकिन इसके लिए हमारी सरकार ऐसा नहीं कि स्वस्थ बैठी है आराम से बैठी है उसके निजात पाने के लिए उसने अपना काम शुरू कर दिया है लेकिन यहाँ पर गीता जी क्या आप शिरा जी की बात से इतफाक रखती है थोड़ा वक्त तो देना चाहिए उनके मुताबिक सिर्फ पैंतालीस दिन की सरकार हुई है थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जो हैंड उन्हें यूपीए सरकार से मिला है

जो महंगाई के लिए तो आते आते जादू की छड़ी तो चलेगी नहीं उनकी बात बराबर है तो उनको भी हम लोग थोड़ा वक्त दे के पब्लिक भी थोड़ा सब्र करना चाहिए जो जैसी महंगाई बढ़ी फिर मोदी सरकार के ऊपर टीका करना ये अच्छा नहीं है हम लोग भी देखना चाहिए कि बारिश होती है या नहीं या किस वजह से महंगाई बढ़ रही है उसकी भी स्टडी करना चाहिए उसके बाद जो है गलत आवाज उठाना चाहिए तो मैं बोलूँगा जी यहाँ पर शीला जी एक आम इंसान का सवाल है एक इंसान अपने घर के लिए परिवार के लिए कमाने के लिए बाहर निकलता जो कुछ आमदनी वो ले आता है अपने परिवार के हाथ में रख देता अब उसमें घर का पूरा राशन पूरा उसको राशन भरना है अगर उसके बच्चे तो बच्चों के लिए स्कूल के लिए फ़ीस निकालना है उनके ट्यूशन फीस निकालना है उसकी आमदनी यहाँ पर अठन्नी है लेकिन जब खर्चा मानो जैसे रुपया है तो यानी उसका जो बजट है जो महिला जिसे हम होम मिनिस्टर कहते हैं घर की उस महिला के लिए काफ़ी बड़ी पीड़ा है कि वो कम पैसे में अपने घर को चलाए कैसे या तो वो अपने अरमानों को मारे या अपने बच्चों के अरमानों को मारे या उनको सही तरीके से पालन पोषण खाना खान, खान पीन ना दे तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे परिवार जो सवाल पूछ रहे हैं जिनके पास में वक्त नहीं है आज जैसे आपने कहा कि बीजेपी के लिए वक्त चाहिए लेकिन ऐसी भी जनता है जो वक्त नहीं दे सकती है उन्हें क्विक रिजल्ट चाहिए वो वो चाहती है कि भाई हमने आपको चुन के दिया है आप हमारे लिए कुछ कीजिए तो कब तक का कम अज कम एक आम इंसान को यह आश्वासन सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दे सकती है कि आने वाले कितने दहिए? या छह महीने बोलिए एक साल बोलिए या दो साल बोलिए कम अज कम इस तरह की महंगाई तो ना हो कि आम इंसान को जीना दुभर हो जाए असम जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जी कि देखिए कांग्रेस की सरकार कितने साल थी जी और जितने भ्रष्टाचार जितने घोटाले सारे कांड इनके राज्य में हो चुके जी। इनके राज्य में जो नहीं होना चाहिए था वो सभी कुछ हुआ ऐसा नहीं कि ये बीजेपी की सरकार अभी आई है तो इसमें प्याज के भाव बढ़े या इस वक्त टमाटर के भाव बढ़े इस वक्त सब्जी के भाव बढ़े कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी और क्यों बढ़े उस वक्त क्या कारण था इस वक्त क्या कारण था फिर भी उस वक्त जब महंगाई बढ़ी थी तो जमाखोरों को पकड़ा नहीं गया था इस वक्त तो जैसे ही सरकार बनी है उन्होंने काम की शुरुआत तो की है काम की शुरुआत की और आप कम से कम नहीं अधिक तो कम से कम छह महीना साल भर का तो टाइम देना चाहिए हमें हमारे हम जब कोई भी हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है तो जाते ही तुरंत उसको पढ़ाई पूरी नहीं आती उसको हमें एबीसीडी सिखाना पड़ता है तब वो जाकर के आगे उन्होंने प्लान बनाया वो उन्होंने काम शुरू कर दिए लेकिन मैं मैं भी एक मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उसको बाजू में रखते हुए मैं एक आम महिला की तरफ से मैं कहना चाहूंगी मुझे भी तकलीफ है क्योंकि जो महंगाई है वो किसी एक के लिए नहीं है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे वो कोई भी हो चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो या महिला हो कोई भी हो महंगाई हर एक को है बिल्कुल इस महंगाई से हमें भी निजात चाहिए और इसीलिए हम लोगों ने भी ऊपर तक बात की कि आप जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी हो सके इस पर आप ध्यान दीजिए और उन्होंने काम की शुरुआत भी कर दी है लेकिन आप सोचिए ना मैंने वही पहले भी जैसे कहा है कि कुछ तो समय देना चाहिए कुछ तो निश्चित समय देना चाहिए आप देखिए और फिर निश्चित ही मैं ये कहूंगी की जो पहले हुआ था निश्चित ही उससे तो आपको आजादी निश्चित ही मिलेगी गीता गीता जी मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा इसमें राज्य सरकार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस तरह की अगर कालाबाजारी होती है या जमाखोरी होती है या इस तरह के गोदाम में स्टॉक बनाकर उसके बाद में जब आप बाज़ार में कम स्टॉक रहता उसके बाद में आप बड़े दामों पर निकालते इन बिचौलियों के ज़्यादा फायदे के वजह से आम इंसान के ऊपर महंगाई गिर रही है तो महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र राज्य सरकार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इसके ऊपर रोक लगाने के ने, पहली बात तो ये है अभी मैं पुनः गई थी वहां पर मैंने देखा कि हाईवे से वो गोडाउन में इतने कांदे वगैरह सड़ रहे थे तो अगर व्यापारी भी जीत ना करे बाबा जो माल है सर, वह सड़ना नहीं चाहिए खराब नहीं होना चाहिए जो है वो पब्लिक तलक पहुँचाना चाहिए आ, इन, अपने पब्लिक में माल वो पहुंचाना चाहिए सस्ता करके वो भी अपना आड़ी करके बैठते है कि बाबा नहीं हम लोग ये करेंगे ट्रक स्ट्राइक करेंगे ये करेंगे तो उसमें आम जनता का भी नुकसान होता है नाम भी इसका खराब हो जाता है जो व्यापारी होते उनका और व्यापारी जीत करते हैं कि माल पहुंचाएगी नहीं ट्रक का अंदर स्ट्राइक करेगी ये करेगी तो माल सड़ जाता है उसमें तो पब्लिक तरफ या मार्केट में माल पहुँचा ही नहीं जाता है तो पब्लिक तरफ सस्ता माल कैसे आएगा तो महंगाई बढ़ती जाती है चीजों के ऊपर टमाटर सड़ जाते प्याज सड़ जाते आलू सड़ जाते तो पब्लिक तरफ पहुँचते नहीं है बिल्कुल इनके जीत की वजह से पूरा नुकसान हो जाता है हम लोगों का बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा यहाँ पर शिला अवस्थी जी आपसे भी जाने की कोशिश करूँगा इस साल बारिश उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए जिसके चलते कृषि क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है खास करके मराठवाड़ा में तो बारिश ना के बराबर ही है अभी भी काफ़ी कुछ वहाँ पर चल रहा है कि लोग बदहाल स्थिति में वहाँ पर है एक रोज़ छोड़ के एक रोज़ उन्हें पानी मिल रहा है पीने के लिए ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर्यावरण के साथ इंसान खिलवाड़ कर रहा है ऐसे में प्रकृति अगर अपने पर आती है और इस तरह का खिलवाड़ होता है और ऐसी डैसी सिचुएशन आ जाती है कि बारिश के वजह से फसलें न होने की वजह से फसलें बर्बाद हुई है जिसके चलते किसान आत्महत्या तो कर रहा है शहर में महंगाई की आग लगी हुई इस कैच सिचुएशन में सरकार की भूमिका क्या होगी या आपके जो नगर सेवक है या आपका जो विधायक है या आपका जो सांसद है वो अपने क्षेत्र में किस तरह से कालाबाजारी या जमाखोरी को रोकने के लिए सक्रिय है भी या नहीं है मैं आपसे बताना चाहूंगी जी जैसे कि आपने कहा और मेरी गीता बहन का भी मैं एक जवाब दे दू कि मेरी बहन ने जैसे कहा कि पूना में उन्होंने देखा महाराष्ट्र में जैसे प्याज सड़ रहे ये हकीकत है उन्होंने गलत नहीं कहा सड़ रहे हैं क्योंकि यूपीए सरकार ने जो भी हमारे यहाँ का जो जो भी सामान आता है उसको रखने की व्यवस्था ही नहीं है वो सड़ता है आपने देखा होगा पहले भी अनाज सड़ता था प्याज सड़ता था और आज भी लेकिन मोदी सरकार जी ने अभी आपने देखा कि उन्होंने किया है उसकी व्यवस्था चाहे किसी भी रूप में उन्होंने आपने सारे बजट और सारे प्लान आप तो देख ही रहे उन्होंने शुरुआत कर दी है तो इससे थोड़ी तो सहूलियत मिलेगी और उसके बावजूद आपने जैसे कहा बरसात कम हुई उससे परेशानी तो बढ़ी है ये तो सत्य है अरुण जेटली है उन्होंने ये पे कहा है कि महंगाई के लिए उन्होंने में 500 करोड़ का एक अलग से प्रावधान रखा है जो पूरे देश के लिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि पांच करोड़ रुपये पूरे पड़ेंगे पूरे देश की महंगाई को कंट्रोल करने में आप सही बोल रहे हैं पूरे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे लेकिन मैं ये कहूंगी कम से कम शुरुआत तो भी यदि एक रुपए की महंगाई है कम से कम पचास पैसे भी कम होंगे तो कुछ तो कम होगा कि नहीं आप ये तो सोचिए जब तक शुरुआत ही नहीं होगी तो आगे बढ़ेंगे कैसे उन्होंने कुछ तो शुरुआत की और मुझे ऐसा लगता है कि पांच सौ करोड़ का जो उन्होंने बजट में कहा है मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह महंगाई खत्म हो पूरी तरह महंगाई नहीं खत्म होगी लेकिन कम निश्चित होगी ये आप मान के चलिए कम निश्चित होगी बिल्कुल गीता जी क्या आप इस बात से इतफाक रखती है क्योंकि ज्यादातर महिलाएं जो है गृहिणी जो है हमारी ये घर में रहती है और माफी चाहूंगा इस बात के लिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वक्त इनका जो होता है टेलीविजन सीरियल्स लेकिन देश दुनिया में जो कुछ चल रहा है आज हमारी जो स्थिति है खास करके क्रूड ऑयल जो हम लोग विदेश से लेते हैं आज एक रुपया पर बैरल उसकी कीमत है यानी जो युद्ध चल रहा है इराक में उसका कहीं ना कहीं जिसके ऊपर तेल के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा और ये होगा आने वाले दिनों में कि आने वाले दिनों में यदि ये युद्ध समाप्त होता है तो उसका सीधा सीधा असर जो है हमें तेल की कीमतों पर देखने को मिलेगा जिसका मतलब ये होता है कि आने वाले दिनों में आपका पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस सिलेंडर्स जो है इसके दाम बढ़ने वाले हैं इसके दाम जब बढ़ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल और डीजल के तो सीधे सीधे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इसका असर होता है ट्रांसपोर्टेशन पे होता है तो सीधा सीधा जो भी ट्रांसपोर्ट अन्य धान में लेके जो चलता है उसकी कीमतें डबल हो जाती है तो ये प्रोसेस है और मेरे ख्याल से ये ग्राउंड रियालिटी है कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना किसी एक स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ या हम महाराष्ट्र राज्य की नहीं बात कर रहे ओवरऑल हिंदुस्तान की अगर बात कर रहे तो वाकई ये बहुत बड़ा एक टास्क है एक चैलेंज है सरकार के लिए क्या आप इस बात को मानती हैं हाँ ये आपकी बात सही है इसमें जो वॉर हो रहा है उसके लिए तो बहुत से असर पड़ने वाले हैं अपने देश के ऊपर तो इसमें सब लोग जो अपने देश के लोग हैं मिल इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि आगे लोग अभी आप देखेंगे कि एक घर में मैंने देखा है कि एक फैमिली में चार चार गाड़िया होती है सब और जैसे कि गरीब लोगों के पास बेचारे एक बाइक टू व्हीलर भी होती है तो उसको ये करना पड़ता है कि टू व्हीलर में पेट्रोल डाले तो कैसे डाले तो महंगाई ऐसा होता है कि अगर अपना देश सोच के ये करे कि जिस घर में चार चार गाड़ियां है उसके ऊपर भी उन लोग अभी वो सब ये करके सब लोग इतनी गाड़ियां तुम रखोगे पैसे वाले लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं इस बारे जे, में फर्क पड़ता है तो आम आदमियों को जो आम लोगों को जिसके पास टू व्हीलर है जिसके घर में एक गाड़ी उनके हिसाब से वो लोग रखते हैं उनको फर्क पड़ता है लेकिन अगर सरकार अपने देश में सब सोच के अगर ये विचार करे सब इसमें जैसे पानी की बचत होती है हम लोग बोलते हैं, एक बूंद भी पानी का अपने लिए बहुत ये है वैसा पेट्रोल डीजल इन चीजों में भी अगर लोग अगर सही में कम इसमें ये करें तो बहुत अच्छी चीज बात यहाँ पे गीता जी यूपीए एनडीए की सरकार थी महाराष्ट्र राज्य में उस वक्त मुझे याद है शिवसेना महायुति की सरकार थी और ऐसे में पांच जीवन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जो है फ़िक्स कर दी गई थी कुछ सालों के लिए तो क्या हमारे देश में जो जीवन आवश्यक वस्तु है मसलन टमाटर हो आलू हो प्याज हो या दाल हो या फिर चावल हो इनकी कीमतें हम एक फिक्स रेट नहीं कर सकते क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए कि बीस रुपये से ऊपर ये चीज़ हिंदुस्तान में कहीं पर भी बेची नहीं जाएगी और ना ही ख़रीदी जाएंगी क्या इस तरह की कोई चीजें आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है या नहीं क्यों नहीं मिल सकती अगर सरकार में, सरकार में अगर इसके ऊपर सब कंट्रोल करे जे. हर इधर नगर सेवक है जो हर मोहल्ले में इलाके में जाके देखे कि खेती कितनी ये हो रही है लेकिन क्या ये डिसीजन ले सकते हैं हाँ वो लोग डिसीजन ले सकते क्योंकि कितना अपनी बढ़ोती हो रही है टमाटर कितने आ रहे हैं क्यों देश में कितना क्या हो रहा है उसके हिसाब से वो लोग कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करते है ना उनको टाइम कहाँ है वहाँ करने के लिए मैं मैं शीला जी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कहने के लिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है किसान हमारे लिए अन्य देवता से कम नहीं है क्योंकि वो जमीन का सीना चीर कर उसमें से अनाज उगाता है आपके लिए मेरे लिए और पूरे हिंदुस्तान के वासियों के लिए ऐसे में कृषि प्रधान देश में जितना अनाज हम बनाते हैं इसका टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट उस अनाज का ये हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और जो बी ग्रेड होता है ये हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में अगर हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए यदि जो हमारा किसान जो उगा रहा है चाहे वो टमाटर हो का प्याज हो या आलू हो या और भी कई सारी सब्जियां हो जब तक हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो जाती और अगर उससे ज्यादा पैदावार होती है तो आप एक्सपोर्ट कीजिए वरना आप मत कीजिए क्योंकि आप एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हो लेकिन लिहाजा ये हो रहा है कि आपकी शॉर्टेज के वजह से यहाँ पे दाम दुगने बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई है तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जे. अभी इस पर सरकार ने विचार नहीं काम भी शुरू किया है हमें बाहर नहीं भेजना चाहिए मतलब हमें पहले अपने घर का आदमी भूखा रहे और हम आ, दूसरे तो इसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे रही है जैसे कि आपने देखा था कि पिछली बार जो प्याज के दाम बढ़े थे तो ब, हमारे ही प्याज पाकिस्तान में गए और हमने हमारे ही प्याज को सौ रूपया अधिक लेकर के हमने हमारे ही प्याज को खरीदा था और फिर उसको हमारे ही प्याज को फिर हमने हमारे देश में और महंगा करके बेचा था तो ये तो नहीं होगा इसके ऊपर सरकार ध्यान दे रही है कि निश्चित ही जो आयात और निर्यात निर्यात कम हो आयात अधिक हो या हमारे देश में जो है उसमें हम किस तरह से पहले हमारे देश का पूरा हो जाए उसके बाद में हम बाहर देश को भेजना चाहे तो भेजें इसके ऊपर भी हमारी सरकार विचार कर रही है जी क्या क्या कहती है गीता जी आप प्याज ने तो हालांकि एक बार एनडीए सरकार को बहुत पह, काफी साल पहले रुलाया था लेकिन अब टमाटर का जो रंग है लाल इसे देख के तो हर इंसान लाल हो रहा क्या कहेंगे इस पर अभी शीला जी ने जो बोला वो सही बात है तो टमाटर से लोग लाल यानी हम लोग बोलते हैं कि टमाटर का सूप पियो बच्चों को उसमें विटामिन मिलता है सब चीजें अभी वो हमारे बच्चों को क्या बोलते हैं ना जो गरीब बच्चों को जो टमाटर से विटामिन मिलने का था जो चीजों से बेचारे गरीब लोग खाते थे वो अभी उन, उनके तरफ पहुंच नहीं रहे उनके पास वो तो ये दुख की बात है कि हमारे देश का माल बाहर जा रहा है अच्छी अच्छी चीजें बाहर जा रही है और हमारे देश में बेचारे लोगों को चीज मिल नहीं रही है तो इसके ऊपर सरकार ने सोचना चाहिए और जल्द से जल्द तो मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर अपना विचार अच्छे तरीके से यहाँ पर ये करे शिला जी, आप, आप में जाती है टमाटर का भाव सुनकर क्या लगता है आपको में तो कितना रुपया किलो आपने पिछली बार खरीदा था आखिरी बार माफ कराम आखिरी बार मतलब कल ही हमने खरीदा जी यानी आज सुबह बोलिए या कल शाम बोलिए कल शाम समय हमने में खरीदा था साठ रुपए के भाव से साठ रुपया किलो के भाव से आपने टमाटर खरीदा है गीता जी आपने आखिरी खरीदारी कब की थी मैंने कल जो टमाटर खरीद किया अस्सी रुपए में मलाड में अस्सी रुपया जी गोरेगांव में साठ रूपए किलो है जहाँ शिलावस्ती जी रहती है आप मलाड में अस्सी रुपया किलो है और शायद इससे और आगे आगे बढ़े तो शायद सौ सौ रूपये करीब जो एरिया में जी जाते भाव बढ़ते जाते हैं जी भाव बढ़ते जाते हैं तो आखिर में संक्षेप में चलते चलते आखिरी में आप दोनों महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि वन लाइन में वन लाइन में सरकार से आप क्या कहना चाहती है महंगाई को लेकर कितनी आप व्यक्तिगत परेशान हैं शीला जी मैं हमारी सरकार से निवेदन और प्रार्थना करना चाहूंगा जी कि हम महिलाओं को महंगाई बलात्कार हमारी बच्चियां जिस पे ये सब हो रहा है ये दो तीन हमारी सुरक्षा हमारे किसान हमारे सैनिक ये दो चार पांच चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान दें अगर इस चीज़ों पर भी ध्यान देंगे तो निश्चित ही देश का सुधार बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा होगा और मुझे लगता है कि हमारी सरकार निश्चित ही इस पर ध्यान देगी मैं निवेदन सर, करना आप निवेदन कर रही है अपनी सरकार से। गीता जी, आपके कहना चाहेंगे? मैं तो निवेदन करूंगी सरकार से और जो आने वाले दिन है हमारे अच्छे आ जाए ये मैं सोचती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हो जाएगा ये सब कुछ और ईश्वर से भी भरोसा रखते हैं कि अच्छे विचार आए अच्छे दिन को कि बाबा <laughs> जो सरकार अपना भी देखे और जनता का भी देखे और अपने देश का भी विचार करे बस इतना ही मैं निश्चित कहूंगी कि निश्चित ही अच्छे दिन आएंगे चलिए आएंगे लेकिन कब आएंगे चलिए कब आएंगे चलिए वो कब आएंगे सरकार को अपने पैंसठ वर्ष देश को आजाद हुए क्या लेकिन उन्होंने साठ साल उन्होंने राज्य किया है तो कम से कम बीजेपी कुछ कुछ तो समय दीजिए कुछ तो समय दीजिए चलिए कुछ तो समय दीजिए चलिए तो क्योंकि समय की बात किया आपने समय की पाबंदी है मेरे लिए क्योंकि आप लोगों से अनुमति लेनी पड़ रही है बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आप इस चर्चा में शामिल हुए अपनी अपनी बातों को अपने तरीके से आपने रखा शिला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जहां तक महंगाई की बात है तो महंगाई की मार से आम इंसान वाकई परेशान है त्रस्त है लेकिन अगर बात की जाए एन सरकार की तो एन सरकार को पहले तो प्याज ने रुलाया लेकिन अब टमाटर पूरी तरह लाल हो चुका है सिर्फ टमाटर ही नहीं आम इंसान भी लाल हो चुका है इसकी कीमत को देखते हुए आने वाले दिनों में महंगाई किस करवट लेगी क्या कुछ रुख होगा महंगाई का और क्या कुछ तस्वीर होगी आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे लेकिन फिलहाल इस सब विशेष में बस इतना ही मुझे दे अनुमति और आप देखते रहिए लेमन न्यूज